क्लोज मेरे से। नमस्कार, बिग एफएम पर अपुन है बिग एमजे चोखा का। अपुन का स्टाइल कैसा लगा? अपुन चश्मा लगा के कहे बैठेला है, इसलिए बैठेला है कि आज बिग एफएम के स्टूडियो में चोखा के पास खूबसूरत सी आए हाय कितना शानदार हीरोइन बैठी है। वेलकम है, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। देखिए आप चश्मा लगाई है ना जी, थोड़ा नया मिलाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो हम आपसे यह कहूंगा कि लो आपके लिए मैंने चश्मा निकाल दिया। आए हाय हाय, का बात है, ये हमारा बात मान गई। देखिए काका बात मान लेती है। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग एफएम के स्टूडियो में। आज चोखा से बतिया के कैसा बुझा रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम कैसा लग रहा हूँ? आपके बारे में तो क्या कहना, आप तो है ही हैंडसम और टेस्टी भी। ओह या लिट्टी चोखा तो टेस्टी होते ही है। अच्छा इंद्राणी जी, जी इंद्राणी तालुकदार पूरा नाम हम। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा लंबा है ना नाम जी, आपका जी। दम है नाम में। नाम में बहुत दम है तो तब तो इतना दम वाला फिल्म आपकी है देवेन मिश्र जी। तो ये बताइए इन मगही भाषा का फिल्म करके आपको कैसा लगा? अरे क्या बताऊं आपको, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त अनुभव रहा, बहुत ही अच्छा लगा। जो किरदार है ना, ऐसा किरदार मैंने कभी निभाया ही नहीं था, ये टोटली अलग किरदार था। हमेशा ग्लैमरस रोल निभा निभा के मैं तंग आ गई थी। इसमें एक सादगी भरी एक पंडिताइन का रोल मैंने किया है, उसकी हस्बैंड के साथ जो नोकझोंक होता है वैसा रोल किया है। और वैसा ही नहीं है, इसके साथ साथ ट्रेजेडी भी है, ट्रेजेडी का भी शेड्स है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये मगही भाषा शुरू से आप जानती हैं? शुरू से तो नहीं जानती, बट जब मिथिली जी ने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने नरेट किया और मैंने बाय हार्ट कर दिया, बट उन्होंने मुझे एक्शन सुनाया और मैंने रिकॉर्ड करके रखा था और उसको मैंने इमिटेट करने की कोशिश की। अच्छा, तो ये मगही भाषा की आप नहीं है? जी नहीं। कहाँ की है फिर? बेसिकली मैं गुवाहाटी असम से हूँ। ओहो, कल्पना जी के क्षेत्र की। क्या बात है भाई, वहाँ से तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज भोजपुरी में हिंदी में मगही में आया है। जी जी। हाँ, और आप भी आ गई हैं। अब तो सोने पे सुहागा हो गया। सोने पे सुहागा, आप देखिए कितनी हिट रहेगी भोजपुरी और ये मगही की इंडस्ट्री। और ऊपर से चोखा भी आपको मिल गया। चोखा भी मिल गया। इस फिल्म को करते वक्त कैसा लगा आपको? अरे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अलग टाइप का लैंग्वेज, गाउटी टाइप का कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा लगा, पूछिए मत। इस फिल्म में क्या खास आपको लगा कि आप, चूंकि आप हिंदी फिल्म में करती हैं अब और इतने सारे काम करती हैं, लेकिन आपने मगही चुना? मैंने इसीलिए चुना कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है ना, ये स्क्रिप्ट ही अपने में एक हीरो है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट था, एक बायोपिक है 200 साल पुरानी, जैसे कि आप लोग जानते हैं देवेन मिश्र को मगध की कॉमेडी किंग कहा जाता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इक्वली देवेन मिश्र ही नहीं, देवेन मिश्र की जो वाइफ का कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ वो भी बहुत ही खास है अपने में ही, तो मुझे बहुत ही मजा आया ये रोल करते हुए। वैसी मजा तो हमको भी आ रहा है आपसे बतियाते हुए। हिंदी फिल्म भी हम सुना हूँ आपकी है? हाँ बहुत सारी, बेसिकली मैं हिंदी फिल्म एक्ट्रेस ही हूँ। तो कौन कौन फिल्म? मेरी रिलीज हुई थी अवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ लतीफ आई थी, एक आई थी रोमियो बोला प्यार की ऐसी की तैसी, अभी रिलीज में है मजनू गिरी, फ्रेंड्स फॉर एवर, हॉरर लव स्टोरी एक राजपाल यादव जी की ऑपोजिट में मैंने काम किया है, अपरिचित शक्ति, तो काफी फिल्में की है, तमिल तेलुगु भी करती रहती हूँ, अपनी लैंग्वेज असम इसमें भी एक फिल्म करके आई हूँ, तो चलता रहता है। एक्चुअली मैंने क्या सोचा, मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं हर लैंग्वेज की फिल्म करूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं चाहती मैं हॉलीवुड में भी जाऊँ अंग्रेजी में बोलने के लिए। हाँ, इंग्लिश फिल्म भी करना चाहिए है कि नहीं? मान लीजिए हॉलीवुड में हीरो चोखा हो। हाँ, और चोखा उसमें से बोले Hey Miss, I love you. तो reply कैसा होना चाहिए? हाँ. Hey, I love it too. यही बहाना देके ना हम बोलवा लिए। आई चोखा का सुन ली है क्या पूरा बात? चोखा का हमारा बात सुन ली है क्या?
क्या बोला आपने चौका का अपना अपना जुगाड़ का बात होता है। फिलहाल देवेन मिसिर आपने इतनी बढ़िया फिल्म की, हमने भी सुना है कि देवेन मिसिर जी रचनाकार गीतकार कथाकार इसके साथ साथ हाजिर जवाब भी। हाँ। तेनाली रामा उनको कहा जाता है, उपाधि दी जाती है बीरबल की उपाधि दी जाती है। जब इतना बढ़िया इतना निम्न इतना सुंदर का अपने बोली भाषा का फिल्म है अपने घर का चीज है तो सबको देखने जाना चाहिए, कुल देखना चाहिए। घर परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ ये फिल्म जरूर देखें। ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि ये फिल्म माघी लैंग्वेज की पहली फिल्म है और इतनी क्लासी इतनी खूबसूरत इतनी नीट एंड क्लीन फिल्म बनाई है ना, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। एंटरटेनमेंट से भरपूर है, फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं और गाने TCD से लॉन्च हुआ है तो हर तरीके के गाने हैं इसमें। फिल्म में लोक संगीत है, आइटम सॉन्ग भी एक रखा हुआ है, कल्पना जी की एक सैड सॉन्ग है जो मेरे ऊपर फिल्माया गया है, जो आइटम सॉन्ग है वो भी मेरे ऊपर फिल्माया गया है। तो पूरे फिल्म में ऐसे ऐसे टिपिकल हाउसवाइफ वाला रोल करते करते थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं तड़का बोलते हैं वो आइटम सॉन्ग, तो हर तरीके की शेड्स आपको दिखने को मिलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ दर्शकों को कि आप अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ हॉल में आए और ये फिल्म जरूर देखें और हम लोगों को आशीर्वाद दे। हाँ, आप सभी लोग घर परिवार के साथ ई देवेन मिसिर फिल्म देखने जाइए और आप हमारा साथ क्या बात है अब इनके साथ तो एक बार बोल देते हैं कि हिट गाने होंगे ज्यादा। ये है बिग FM का वादा।